नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पोल्ट्री फार्मिंग के नए और एक जानकारी दर वीडियो में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। तो आज 18 दिन है इस बाढ़ का यूज, और 18 दिन का जो मैनेजमेंट दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा दोस्तों। तो पोल्ट्री फार्मिंग एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है अगर इसको सही तरीके से किया जाए, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर आप मैनेजमेंट दोस्तों सही से करते हो तो पोल्ट्री फार्मिंग से आप इजीली एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के हिसाब से एक इसको कर सकते हो दोस्तों। तो अभी चलते हैं क्या क्या मैनेजमेंट मैंने किया है 18 दिन के अंदर। तो हर एक मैनेजमेंट का वीडियो, हर एक दिन का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ मौसम के हिसाब से। अगर आप अभी के टाइम वीडियो देख रहे हो जब मैं वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ, इस टाइम के लिए इस मैनेजमेंट को आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों विंटर का मैनेजमेंट अलग होता है, समर का मैनेजमेंट अलग होता है, और जो रेन का सीज़न बरसात का मौसम है उसका मैनेजमेंट अलग होता है। तो हर एक टाइम के हिसाब से उसका मैनेजमेंट दोस्तों अलग होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने हर एक मैनेजमेंट हर एक टाइम के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। तो अभी जो टाइम है वो बरसात का टाइम है, जब नेचुरल मौसम है उसमें पानी का इंटेक कम होता है। तो हर एक टाइम के हिसाब से आपका मैनेजमेंट दोस्तों मैनेज कीजिए। तो अभी दोस्तों मेरे पास है कंपनी का जो खाता है, उस खाते में अगर देखते हैं कि बाढ़ में क्या क्या चेंजेस किया है। तो अभी दोस्तों पिछले दिन 17 दिन में सुपरवाइज़र भैया लास्ट आया था, वो 656 ग्राम का फीड इंटेक स्टैंडर्ड है, 664 ग्राम का फीड इंटेक हुआ है अभी तक बाढ़ में, और 590 ग्राम का बॉडी वेट अभी आया है। ये 610 ग्राम का ही बॉडी वेट आया था, लेकिन मैंने थोड़ा कम लिखने को कहा है, जिसमें क्या होता है कि अगर खाते में अगर कम हो और एक्चुअल बॉडी वेट अगर ज़्यादा हो तो लास्ट जब बाढ़ लिफ्टिंग होगा तब उस एक्चुअल बॉडी वेट ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप बाढ़ को पकड़ते हैं वो एवरेज करते हैं तो वो एक्चुअल नहीं होता, वो एक अनुमान लगाया जाता है कि क्या FCR आना चाहिए। क्योंकि हर एक बेड को बाढ़ को धोकर पकड़ कर बॉडी वेट करना मुमकिन नहीं, तो 10-15 बाढ़ को मैंने पकड़ के एवरेज बॉडी वेट निकलता हूँ। तो उसके हिसाब से अभी जो FCR आया है 1.29 के आसपास आया है और 2.3 स्टैंडर्ड है। तो बाढ़ ने अच्छी तरह से रिकवरी करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए मैं इस मैनेजमेंट को कर रहा हूँ, और अभी दोस्तों फार्म के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है। अभी दोस्तों आया हूँ फार्म के अंदर, आप अभी देख सकते हो मैंने पानी की जगह से अच्छी क्लीन करके मैंने ऊपर की तरफ उठा लिया है। 10-15 मिनट के लिए पानी बंद रहेगा, उसके बीच में दोस्तों मैं अच्छे से लीटर को रैकिंग कर लूँगा, और कुछ ही घंटे पहले मैंने स्प्रे भी किया है, जिसमें साउंड का प्रॉब्लम अगर कम हो जाए ऐसा मैंने कोशिश किया है स्प्रे करके। और अभी एक घंटे दो घंटे बाद अगर आप स्प्रे करते हो उसके बाद फ़ैन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह के टाइम फार्म के अंदर अमोनिया गैस हो जाता है, तो फ़ैन को ऑन करके तभी दोस्तों लीटर रैकिंग कीजिए, क्योंकि लीटर रैकिंग करने से अमोनिया गैस बढ़ जाता है फार्म के अंदर, जो भूसे चलने से जो बाढ़ में जो पोटी करते हैं उस पोटी के से एक गैस निकलता है जो फार्म के लिए बाढ़ के लिए पॉइजन्स के समान होती है। अगर बाढ़ ये पॉइजन्स अगर इंटेक कर ले तो बाढ़ में दिक्कतें आ सकती है, बॉडी वेट में दिक्कतें आ सकती है। तो अभी दोस्तों मैं स्प्रे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि एंटीबायोटिक मैं मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कल ही मेरे सुपरवाइज़र भैया से बात हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है कि एंटीबायोटिक देने से पहले एक दो दिन स्प्रे दीजिए, उसके बाद अगर साउंड का प्रॉब्लम कम हो जाएगा तब अगर हो जाएगा एक्चुअल तब स्प्रे देने की अभी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आएंगे, आज उससे बातचीत करेंगे, उसके बाद डिस्कशंस करेंगे, और आने वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि एंटीबायोटिक मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल मैं वीडियो बनाता हूँ, एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही आपको देता हूँ। अगर हो एक और आपको बताऊँगा एक, वो दिक्कत वाली बात साबित हो सकती है। तो इसके लिए दो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं जो कर रहा हूँ अभी वही मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और पानी का जगह को आप अच्छी सर ऐसे साफ़ कीजिए, सुबह के टाइम एक बार ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ कीजिए, और विकेल के टाइम एक बार अच्छे से जो पानी है जो ऑटो ड्रिंकर में भूसा लीटर जमा होने से गंदी हो जाती है उसको फेंक दीजिए, और फीडर का जो जगह है वो दिन में एक बार अच्छे से साफ़ कीजिए। और फीडर में फीड दोस्तों दिन में दो बार दीजिए, एक बार मत दीजिए, क्योंकि फीड का एक कॉम्पोजिशन होता है, 8-10 घंटे के जो इनटेक वाला फीड है उसको ही बाढ़ को दीजिए। और अच्छे से फार्म को क्लीन कीजिए, अच्छे से मैनेजमेंट कीजिए, जो भी मकड़े का जाला होगा उसको साफ़ कीजिए, और स्प्रे बाहर की तरफ एक दिन अंतर अंतर कीजिए, और अंदर की तरफ जब स्प्रे करेंगे वो हर एक दिन दोस्तों करेंगे। तो इसी तरह से मैनेजमेंट कीजिए कि बाढ़ में अब आप देख सकते हो अभी मैं
कितने बार में प्रॉब्लम था। अब 2-3 दिन का पिछले वाला वीडियो आप देखेंगे कि कितने दिक्कतें थी, बाढ़ में क्या अवस्था हो रही थी। तो उस बाढ़ को अच्छी तरह रिकवर किया सिर्फ मैनेजमेंट के बेस पे। तो मैनेजमेंट अच्छी तरह से कीजिए तो पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छे से लॉन्ग टर्म बिजनेस जब है, इस बिज़नेस को आप चूज कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आए होंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नए और एक वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।